हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। गाइस, आज हम अपने बाइक का ब्रेक फ्लूट और मास्टर सिलेंडर किट चेंज करेंगे। तो गाइस, ये अपने पास है इसका मास्टर सिलेंडर किट, आप देख सकते हैं इसका मास्टर सिलेंडर किट, और ये बॉश का डॉट फोर ऑयल जो हम इसमें चेंज करेंगे। तो गाइस, अभी इसको हम खाली करेंगे ब्रेक फ्लूट इसका, बाइक का। तो जब भी हम ब्रेक फ्लूट खाली करते हैं बाइक का, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कुछ उसको कपड़े वपड़े से टैंक को कवर कर दें, क्योंकि गाइस इसमें क्या होता है, अगर ब्रेक फ्लूट आपके मेटल पार्ट पे या फिर बॉडी के पार्ट पे गिरेगा तो वो पेंट को निकाल देता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप ब्रेक फ्लूट खाली कर रहे हैं तो उस टैंक को अपने कपड़े वपड़े कोई भी कपड़े से खाली वो कर दें, कवर कर दें। तो अभी ब्रेक के लीवर को खोल रहे हैं। ये खोल दिया सब ब्रेक का लीवर। इसका फोल्डर सिलेंडर सिलेंडर हेड को ये ऑयल कैप खुल गया। अब इसको सिरिंज से सक करेंगे। सिरिंज से सक करके इसको जो भी ऑयल है उसको खाली करेंगे। ऑयल को खाली करते समय हमेशा ध्यान रखें कि इसका ऑयल जो है वो बॉडी पे ना गिरे, बॉडी पे या फिर कोई भी मेटल पार्ट पे ना गिरे। तो इसका भी अभी प्रेशर क्लिप खुल रहा है। ये इसका प्रेशर क्लिप है ये। तो अभी ये बोल्ट को हम लोग खोल रहे हैं 12 नंबर के पाने से। गाइस, खुल गया अपना ये बोल्ट। हमेशा ध्यान रखें गाइस कि ऐसा ऑयल वॉयल जो भी अगर निकले तो इसको या फिर डब्बे पे डाल लें या फिर कोई क्लॉथ पे इसको गिराएं, नहीं तो बॉडी पे गिरने पे ये पेंट को निकाल सकते हैं बॉडी का, जो भी एक्सेस वाइज पर्सनल निकालें। तो अभी गाइस पूरा असेंबली को निकाल रहे हैं 8 नंबर के पाने से।
गाइस इसको खुल गया है मास्टर सिलेंडर। तो गाइस खुल गया इसका रबर पिस्टन का, गाइस लॉक रिंग खुल गया है इसका पिस्टन का। ये पिस्टन है और स्प्रिंग बाहर आ गया है। वॉश कर रहे हैं अभी मास्टर सिलेंडर को, इसको अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में ब्रेकिंग में फिर अच्छे से इन्हेंस नहीं होगा। ये अच्छे से इसको वॉश करना ज़रूरी है, जो भी पुराना बचा खुचा ब्रेक फ्लूड हो वो निकल जाए। तो गाइस मास्टर सिलेंडर अच्छे से साफ़ हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर साफ़ हो गया है। इसको ज़रूरी है कि जब भी हम इसका ऑयल चेंज करें, मास्टर सिलेंडर किट चेंज करें, तो इसको अच्छे से क्लीन करें, बिल्कुल ज़रूरी है। देखो देख सकते हैं अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है इसको। गाइस नया पिस्टन लग रहा है अभी, सबसे पहले रबड़ अभी फिट हो रहा है। तो गाइस अभी ये पिस्टन लग गया है नया वाला, अभी सिलेंडर को जो है इसको हैंडल में इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद इसमें ब्रेक फ्लूइड डाल के इसका प्रेशर बनाएंगे। गाइस अभी इंस्टॉल हो रहा है, उसको लगा रहे हैं मास्टर सिलेंडर को। गाइस अभी इसका बोल्ट टाइट हो रहा है होस पाइप का। गाइस अभी ये होस पाइप का बोल्ट को लगाएं तो उसको एक बार इंश्योर कर लें कि ये भी प्रॉपर क्लीन हो अच्छे से। होस पाइप का ये बोल्ट और ये होस का ये नोजल, इसको इंश्योर कर लें कि ये भी प्रॉपर तरीके से क्लीन हो। तो गाइस ये ब्रेक फ्लूइड डल रहा है। गाइस जब भी ब्रेक फ्लूइड चेंज करें तो ये प्रॉपर इंश्योर करें कि जो ब्रेक फ्लूइड डालें वो प्रॉपर सील्ड कंटेनर से डालें, और एक लेवल तक ही डालें, जैसे ये एक लेवल तक ही डाला है। अब इसमें प्रेशर बनाएंगे, तो गाइस देख सकते हैं कि आप इसमें एक लेवल तक ही ब्रेक फ्लूइड डाला है, और एक लेवल तक ही ब्रेक फ्लूइड को पहले डालें, अब उसके बाद आप प्रेशर बना रहे हैं। प्रेशर आ चुका है, देख सकते हैं, देखिए देख सकते हैं कैसा प्रेशर है, और ऐसी प्रेशर अपने को चाहिए रहता है जब भी ब्लीडिंग करें। तो कुछ ऐसा टाइप का एक ट्यूब ले लें, और एक ऐसा टाइप का छोटा सा कंटेनर ले लें, जो भी पुराना ऑयल हो ऐसा इसमें निकलेगा। एक कंटेनर फ्लूइड जा चुका है ब्रेक फ्लूइड गाड़ी में, अभी दूसरा वाला कंटेनर अब खुल रहे हैं। तो गाइस जब भी आप ऐसा ब्लीडिंग करो या पिस्टन चेंज करो, तो हमेशा दो कंटेनर या फिर एक बड़ा कंटेनर ब्रेक फ्लूइड हमेशा रखो, देख सकते हो पूरा जो अभी ब्रेक फ्लूइड है सब ये लाइन में अभी जा रहे हैं। एबीएस रोटर हो गया, एबीएस का जो मशीन है उसमें
वहाँ से पूरा ये ऐसे होते हुए कैलिपर में पूरा आ रहा है, लीवर लग रहा है। और कोशिश करें कि जब लीवर को लगाएं तो हल्का सा ग्रीसिंग कर लें, इसके जो बोल्ट में हल्का सा ग्रीसिंग कर लें। ग्रीसिंग करने से क्या होगा कि फ्रिक्शन कम होगा और ब्रेक आपका अच्छे से लगेगा प्रॉपर स्मूथ। इसको आप लीवर को प्रॉपर तरीके से टाइट कर लेंगे। बोल्ट को लगा लें, ये लीवर हो गया प्रॉपर तरीके का टाइट। प्रेशर देख सकते हैं गाइस, प्रेशर देख सकते हैं, प्रेशर आ गया है। ये देखिए प्रेशर, देखिए प्रेशर आ चुका है। अब क्या है, जो ये कम दिख रहा है ऑयल उसको लेवल करेंगे। ये क्लिप का मैं बात कर रहा था, प्रेशर क्लिप बोलते हैं इसको। इसको क्या है, प्रॉपर तरीके से बैठाना ज़रूरी है प्रेशर आने के बाद। देख सकते हैं ये क्लिप है। अब ये जो लेवल बचा है इसको अब लेवल कर देंगे। एक बार लेवल हो गया, इसके बाद कैप को लगा देंगे। इसका मास्टर सिलेंडर का कैप को इसका डाल देंगे। सिलेंडर का कैप को लगाने से पहले भी ये जो है इसका रबर सील होता है, इसको भी एक बार अच्छे से पोंछ लें, प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लें। इस तरीके से लगेगा ये, इसका रबड़ वाला सील हो गया। अब उसके बाद इसका ऊपर का ये जो कैप है, सबको एक बार अच्छे से कपड़े से पोंछ लें, साफ कपड़े से। और उसके बाद अब इसको टाइट करेंगे। तो गाइस अपना ये प्रॉपर तरीके से मास्टर सिलेंडर किट चेंज हो गया और ऑयल ब्लीडिंग हो गया है गाइस। अब जो भी एक्सेस ऑयल जो है, या आपके जो आपके एलॉय में हो गया या फिर बॉडी पे हो गया, उसको एक बार साफ़ कर लेंगे। उसके बाद ये आपका काम ही कंप्लीट हो जाएगा। ये तो गाइस इस तरीके से आप भी घर में घर बैठे इसको प्रॉपर तरीके से मास्टर सिलेंडर किट और ऑयल बिल्डिंग घर ही पे कर सकते हैं। जैसे अपना मास्टर सिलेंडर का काम और ऑयल बिल्डिंग का काम इसका हो गया कंप्लीट। तो गाइस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कोई दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए गाइस गुड बाय।